साथियों, अभी हम करोल बाग में हैं और करोल बाग उषा के बगल में है और यहाँ पर एक हनुमान जी का ये गुफा है और इस गुफा के द्वार में मैं देखिए झुक के जा रहा हूँ काफ़ी, और एक पत्थर है और आगे चलते हैं देखते हैं क्या है। ये काफ़ी यहाँ सकरा जगह है, उनेश्वरी माता का यहाँ पर प्रतिमा है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो है यहाँ भी माता का जय बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। दिल्ली में कई बार आया लेकिन मौका नहीं मिला, आज मुझे मौका मिला है तो यहाँ। ये कौन सी जगह है पंडित जी? करोड़बाग। ये करोड़बाग है, तो करोड़बाग है ये, और मैं आया हूँ कृषि अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर, वहाँ मेरा ट्रेनिंग चल रहा है विभाग की तरफ से, तो सोचा कि थोड़ा सा भगवान का भी दर्शन कर लिया जाए और यहाँ के पंडित जी हैं इनका भी दर्शन हो जाए। तो आइए, बहुत मैं भाग्यशाली रहा, माता वैष्णवी का पिंडी है, यह माता वैष्णवी का पिंडी है। और आइए दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ काफी। यहाँ ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल के दुर्गा क्षमा स्वाधारी स्वास्थ्य मैया काली जी का यहाँ पर प्रतिमा बना हुआ है, भव्य रूप में है। ये पत्थर का है पंडित जी? पत्थर लगाया गया है या इसी तरह से? पत्थर लगाया गया, वो लगाया गया है। ये गुफा कितने दिन पुराना है? 100 साल। 100 साल। अच्छा अच्छा ये 100 साल पुराना गुफा है इनका कहना है, लेकिन हमें लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा का ये गुफा हो सकता है, और अंग्रेजों के जमाने से भी हो या मुगल काल के समय से भी हो, लेकिन गुप्त रूप से होगा, फिर बाद में लोगों को जानकारी मिली होगी, क्योंकि बहुत पुराना है देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बहुत ही यहाँ पर ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, गर्मी का मौसम है, ठंडा है, यहाँ टावर काम करता है। और अच्छा, एक खास बात यहाँ पर और है कि यहाँ नेट जो है भाग जाता है, आपका टावर यहाँ काम नहीं करेगा। दिखाइए, है क्या टावर? नहीं है बिल्कुल, टावर आपके मोबाइल में यहाँ से गुम हो जाता है, और इसका कारण जो भी हो, वैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक, इस पर मैं हम चर्चा नहीं करेंगे, फिर ऊपर चलना होगा। समुद्र मंथन ये हमारे बिहार के थोड़ा दूर जाओ, ये हमारा बिहार में माइक मिला, बिहार में पड़ता है, नदी का था, आवाज साफ जाएगी ना। ये बिहार बांका जिला में आपका मंदराचल पर्वत है, मंदार हिल के नाम से जाना जाता है, और यही नदी का जो है यहाँ पर बना है, एक तरफ देव और एक तरफ दानव, समुद्र मंथन हो रहा है, और समुद्र मंथन से नवरत्न की प्राप्ति हुई थी, उसमें से विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, मैं तो बता नहीं सकता इस विषय, क्योंकि बहुत सा कारण है नहीं बोलने का। खैर, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ मंदिर आकर के, बहुत ही सुंदर जगह है। तो पंडित जी,
अब इसके अंदर भी चलते हैं, ताला लगा हुआ है इसको। हाँ तो वहीं तक है, वापस आ जाना नीचे गंगा में। आइए देखते हैं क्या है। गंगा माता है और देखिए सनातन धर्म में इतनी श्रद्धा है कि हम लोग कहीं चलते हैं एक गाड़ी भी करते खरीदते हैं तो उनकी भी पूजा होती है। एक आईएएस हमारे एक आईएएस को हमने देखा, उनकी माता जी बूढ़ी है लेकिन जब वो गाड़ी पर चढ़ी तो उन्होंने गाड़ी को प्रणाम किया, यही हमारा सनातन धर्म है। चलिए आइए मैं भी प्रणाम करता हूँ, गुरु जी है और मैं इस रास्ते से ये मगरमच्छ का दांत है और इसी के रास्ते क्योंकि गंगा जो नदी है गंगा की सवारी मगरमच्छ होता है और उसी का आकार यहाँ दिया हुआ है। यह हमारे झारखंड होकर के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से होकर के जो है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के वहाँ प्रवेश करती है और वहाँ गंगा विलुप्त हो जाती है और उस गंगा को वहाँ जाह्नवी कहा जाता है और गंगा सागर यानी कि गंगा और सागर के जो पुत्र थे वह उनका उद्धार हुआ था इसलिए वह स्थान को गंगा सागर कहा गया था। और वही यहाँ पर गंगा सागर का अंदर में चले दिखाते हैं आपको यहाँ साथियों जल भरा है और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ जल देखिए मशीन भी लगी हुई है, इसका जल कभी खत्म नहीं होता है, जल और बढ़ता रहता है और यहाँ मशीन लगी हुई है। ज़्यादा जल होने के बाद इस मशीन के द्वारा इस जल को बाहर निकाला जाता है और गंगा मैया का यहाँ पर आप देख रहे हैं भव्य मूर्ति।